बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आपका टीचर, आपका होस्ट इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियाँ चन्नू। आज वैसे क्लास का दिन तो नहीं था, वीक के वर्किंग डेज जो है मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं लेक्चर लेता हूँ, फर्स्ट ईयर के भी सेकेंड ईयर के भी। आज संडे था तो अचानक से मेरे माइंड में आया कि क्यों ना कोई मोटिवेशनल लेक्चर भी होना चाहिए बच्चों को गाइड करने के लिए, उनकी गाइडेंस, उनकी रहनुमाई के लिए, कि मोटिवेशनल उनको मतलब बताने के लिए कि उन्होंने कामयाबी की तरफ अगर जाना है तो उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बेसिकली कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं अपनी लाइफ में, इंसान की नेचर है वो आसानियों की तरफ जाता है, वो कभी भी मुश्किल काम नहीं करता। वो कोशिश करता है कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो इजीली मैं कर सकूं। हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, कंफर्ट जोन के अंदर रहकर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा, जो चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल हैं बस हम वही करें। हम कभी ऐसी एक्टिविटी करते ही नहीं हैं जो मुश्किल होती है, जिसको हमारे लिए करना आप कह लें इम्पॉसिबल है, हम समझते हैं ये इम्पॉसिबल है, हम वो करते ही नहीं। एक्चुअली ये आपके अंदर एक डर होता है कि ये मुझसे नहीं होगा। तो मेरे आज का जो टॉपिक ही यही है कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, अपनी लाइफ को महदूद ना करें, अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद ना करें, एक दायरे के अंदर ना ज़िंदगी गुजारें कि बस ये चीज़ें मैंने करनी है, मैं इनसे बाहर जा ही नहीं सकता। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, और ये आगाज़ इस चीज़ का होता है घर से। बच्चा जब पैदा होता है वो घर में माँ बाप के ज़ेरे साया अपने बहन भाइयों के साथ वो पलता बढ़ता है, तो उसकी बिल्ट अप उसके वालदैन को चाहिए कि बच्चे के अंदर शुरू से ही कॉन्फिडेंस पैदा करें, उसके अंदर चीज़ों को जानने की सलाहियत पैदा करें, उसको मोटिवेश करते रहें, उसको इनकरेज करते रहें कि भाई ये मैं करना है, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। असल में हमारे यहाँ होता क्या है, वालदैन जो हैं अक्सर जो मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं अपने बच्चों की रोज़ी के लिए, और वो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इतना फोकस ही नहीं करते। वो कहते कोई नहीं, हमने भी मेहनत मजदूरी की है तो हमारा बच्चा भी ये काम करेगा। उसकी पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं देते। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कई बच्चे, उनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं, सब कुछ मौजूद है, उनको हर चीज़ मिल जाती है उन वालदैन की तरफ से, पैसा भी, गाड़ी भी, घर भी, हर चीज़ उनके पास होती है। वो शायद इस वजह से एफर्ट नहीं करते कि उनकी ज़िंदगी आसान है। एक्चुअली चाहे आपके पास एबिलिटीज़ हैं, आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चे के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं भी हैं लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, उसको ये सिखाएं कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आसान हैं, जो चीज़ें हमारी रेंज के अंदर हैं हमने वही करनी है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आ सकते हैं, हमें ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए जो हमें लगती हैं मुश्किल है, लेकिन एज सच वो मुश्किल होती नहीं है। ये हमारे माइंड में चीज़ है, ये हमारे माइंड में छप चुका होता है कि शायद ये चीज़ मुश्किल है और मैं ये नहीं कर सकता। एक्चुअली वो चीज़ मुश्किल होती नहीं है, क्योंकि दुनिया के और लोग भी शायद वो कर रहे होते हैं। फिर उनमें आप में फ़र्क क्या है, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक जैसा ही बनाया है। तमाम एक जैसा मुराद के बेसिकली तमाम इंसानों को जो जो सिस्टम, जो जो ब्रेन, जो जो स्पाइनल कार्ड, जो जो ऑर्गन दिए हैं, वो सबको एक जैसे दिए हैं। तो क्यों फिर आप ये सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता। अपने अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस रखें, अपने अंदर फेथ रखें, हैव फेथ इन योर सेल्फ। अब देखें, जब चीज़ें हमारे कंफर्ट जोन में होती हैं तब तो हमें सोच, अब मैं एक मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं क्रिकेटर की मिसाल दे दूँ। अब एक आप स्लो बॉलर खेलने के आदी हैं तो जब टूर्नामेंट होता है कोई, वहाँ पे आपके सामने एक ऐसा बॉलर आ जाता है कि जिसको आप आम रूटीन में भी छक्के चौके मार लेते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैं इंशाल्लाह इसको मार लूँगा, इसके तो मेरे लिए ये मेरी बाएं हाथ का खेल है, इसको तो मैं मार लूँगा। चलो आप उसको मार भी लेंगे छक्के चौके,
लेकिन जब एक ऐसा बॉलर आपके सामने आएगा जो आपने कभी उसको फेस ही नहीं किया, उस स्पीड को आपने कभी फेस ही नहीं किया, उसकी वेरिएशंस को आपने कभी फेस ही नहीं किया, फिर असल फेथ तो तब है ना। फेथ तो तब आ ही जाता है जब चीज़ें आपके कंफर्ट जोन के अंदर होती है, जब चीज़ें आसान होती हैं, जब चीज़ें आसानी से चल रही होती हैं, तब तो बंदे को कॉन्फिडेंस होता ही है। लेकिन मुश्किल वक्त में कॉन्फिडेंस होना ये असल चीज़ है। जो फेथ है उसकी इम्पोर्टेंस मुश्किल वक्त में काम आती है। अगर अब वो मुश्किल बॉलर है मेरे सामने तो मैं जहन में डर भी ढा लूँ कि नहीं मेरे से नहीं खेला जाएगा, तो हो सकता है वो बॉल फेंके और मैं पहले ही मेरी टांगें कांप रही हों और वो बॉल मेरी टांगों में से गुजरते हुए बोल्ड हो जाए, मैं क्लीन बोल्ड हो जाऊँ। नहीं, अगर मेरे दिल में कॉन्फिडेंस है नहीं मैंने इसको भी छक्का मारना है, तो मैं अपना बैट घुमाऊँगा, हो सकता है मैं बोल्ड ही हो जाऊँ, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। आप 3-4 दफ़ा उस ऐसे बॉलर का जब सामना करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप उस बॉलर को भी सिक्स मारना शुरू कर देंगे, उस बॉलर को भी आप चौके छक्के मारना शुरू कर देंगे। सेम जिंदगी में भी ऐसे ही, अगर आपने ये जहन में बिठा लिया है कि मेरे से ये नहीं होना, तो वो चीज़ चाहे होने वाली भी होगी तो आपसे नहीं होगी। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। फेथ की ज़रूरत मुश्किल कामों में पड़ती है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत मुश्किल कामों में पड़ती है, क्योंकि आसान कामों में तो आपको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी मौजूद है। असल चीज़ तो है कि जब काम मुश्किल है आप उसको नहीं कर पाते, आपके दिल में आपने पहले एक दफ़ा किया था तो वो आपसे नहीं हुआ था, तो अब आपके दिल में डर बैठ गया तो अब भी नहीं मेरे से होगा, तो उस डर को दिल से निकालें। और एक और चीज़ जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से, ज़ाहिर है बहुत से जो एक्सपीरियंसेस से गुजर चुके हैं अभी जो है वो, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ामिनेशन पहली दफ़ा जब दिया था, अब मेरे इर्द गिर्द जो माहौल था वो ये था कि भाई सिफारिश चलती है, पैसा चलता है, शायद मैं सिलेक्ट ना हो सकूं, ऑलरेडी पहले से ही लोग सिलेक्ट हुए होते हैं, ये टेस्ट और इंटरव्यू तो फॉर्मेलिटी होती है, लोगों के दिलों में था, मेरे इर्द गिर्द बातें होती थी, तो वो मेरे दिल में भी बैठना शुरू हो गया ये चीज़ें। लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो अगर ऐसा है भी सही तो चलो कोई नहीं, टेस्ट देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हम मेरा सब्जेक्ट चूँकि बायोलॉजी है, तो मेरे जो 2-4 दोस्त थे अपने सिटी फेलोज, तो मैं जब उनके साथ बैठा एक दफ़ा कि भाई हमने टेस्ट की तैयारी करनी है तो कैसे करनी चाहिए, वो भी मुख्त सब्जेक्ट के थे, कोई फिजिक्स का था, कोई मैथ का था, मैं बायो, तो अब आपस में सोच रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, कोई अपनी बुक्स छानबीन कर रहा है, मैं अलग ही सोचों में गुम था। तो मैं दोस्तों से पूछ रहा था कि भाई, कोई दोस्त कहता है मुझे टेस्ट की टेंशन है, टेस्ट मुश्किल, टेस्ट भी ना पास हुआ तो क्या होगा, कोई कहता है मैं टेस्ट तो पास कर लूँगा, इंटरव्यू ना पास हुआ तो क्या होगा, इंटरव्यू मुश्किल होता है। अब दोस्त कहते हैं भाई तुम किस चीज़ से डरते हो, टेस्ट से या इंटरव्यू से। मैंने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो फिर मैं सिटी कौन सा सिलेक्ट करूँगा। मीन्स के आगे की सोचें, अपने दिल से सोच निकालें, वो कहें यार सानू टेस्ट की टेंशन पड़ी है, हमें जो है वो इंटरव्यू की टेंशन पड़ी है, हमें टेस्ट की टेंशन पड़ी, और आप आगे की सोच रहे हो कि मैं जब सिलेक्ट हो गया तो फिर मैं कौन सा शहर ज्वाइन करूँगा। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा टेस्ट भी पास हुआ, मेरा इंटरव्यू भी पास हुआ। अपने अंदर डर ना बिठाएं कि ये मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है, आप जी रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको एक चीज़ नहीं मिल सकी, कोशिश करें, बार बार कोशिश करें। पानी भी जब लगातार किसी जगह से गुजरता है तो उसमें भी दरारें पैदा कर देता है, हालांकि पत्थर सख्त होता है, उस पे से पानी गुजरेगा, पानी ने उसको क्या चोट पहुँचानी पत्थर को, लेकिन जब पानी लगातार उस पत्थर से गुजरता रहता है, एक वक्त ऐसा आता है पत्थर में से भी रास्ता बन जाता है, पत्थर में भी दरारें पड़ जाती हैं। तो अपनी कोशिश को जारी रखें, और कोशिश के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन। अपने अंदर एक एहसास पैदा करें, अपने आप को बताएं कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा। और अगर एक ऐसा काम आपने शुरू कर लिया है जो मुश्किल है, जो आप समझते हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो उस काम को आपने शुरू तो कर लिया है, अब शुरू में आपको उसमें मसले पैदा हो गए भी, आपको वो मुश्किल लग रहा है, आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो उसको फिर बीच में ना छोड़ें, उसको करता रखें, जारी रखें।
उसको मिड सीजन में ना छोड़ें, उस काम को जारी रखें। हो सकता है आप उस काम करने में कामयाब ना हो, आप फेल हो जाएं, लेकिन कोई मसला नहीं, फिर कोशिश करें, जारी रखें, अपनी एफर्ट्स को जारी रखें। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आपकी मेहनत रंग लेके आए। और मैंने इसमें कहा कि ये घर से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। वालदैन को चाहिए अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करें। और ज़ाहिर है एज ए टीचर जब बच्चा स्कूल में आता है, कॉलेज में आता है या यूनिवर्सिटी में आता है, तो एज ए टीचर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को गाइड करें, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें। उनको ये ना, हम उनके जहन में डर डाल देते हैं, यार तुम इस सब्जेक्ट में क्यों आ गए हो, ये तो तुमसे होगा ही नहीं, ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। जब हम ही बच्चे के जहन में कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, बच्चे को डर डाल देंगे ये तुमसे नहीं होगा, तो एक्चुअली वो बच्चा पहले ही जहनी तौर पर प्रेशराइज होता है और हमारी बातों की वजह से वो और प्रेशराइज हो जाता है। तो फिर इसमें हमें जो ऐड करना चाहिए वो ये है कि बेसिकली हमें उसका कॉन्फिडेंस कि भाई चलो कोई नहीं, अगर आप इस सब्जेक्ट में आगे हो तो आप इसमें भी बेटर कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें, हम उसको कॉन्फिडेंस डेवलप करें। अब देखिए ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, हम समझते हैं ज़िंदगी में सिर्फ हार है या जीत है, ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी में जीत तो होती है जब आप कोई मेहनत करते हैं और अगर वो आपकी मेहनत रंग ले आए तो आपको रिवार्ड मिलता है, लेकिन अगर आप को वो रिवार्ड नहीं मिला, आपकी मेहनत रंग नहीं लाई, तो ये ना समझें कि आप हार गए। आप कभी भी नहीं हारते, आपने सीखा, उसमें भी सीखा। आप जब हारे हो तो इसका मतलब ये नहीं आप हारे हो, आपने उस हार में कुछ चीज़ें सीखी हैं, आपको ये पता चल जाता है कि मैंने यहाँ यहाँ गलती की थी और नेक्स्ट टाइम फिर आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे तो कामयाबी ही मिलेगी। तो ज़िंदगी में सिर्फ दो चीज़ें हैं, विनिंग एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। या तो आप जीतेंगे या फिर गलतियाँ करेंगे और गलतियों से सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर हम जो है वो गलती नहीं दोहराते। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, हमारे अंदर सोच है, समझ है, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को जांच के, पहचान के, अपने नॉलेज के हिसाब से फैसले करते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये चीज़ हमारे लिए बुरी है। लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना पैदा होना चाहिए कि जब कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए अनसीन है, जो हमारे लिए मुश्किल है, जो हमने कभी जिसका सामना ही नहीं किया, तो वो अगर हमारे सामने आ गई है तो उसके लिए भी हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, हमें सिर्फ आसानियों की तलाश नहीं होनी चाहिए, मुश्किल चीज़ों की तरफ भी जाना चाहिए। अब इंडिया का एक मोटिवेशनल स्पीकर है, संदीप महेश्वरी उसका नाम है, तो उसका एक दिन मैं लेक्चर सुन रहा था इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के हवाले से, तो वही वाक्या मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। उसने मतलब लेक्चर में अपने बताया कि दो बच्चे थे, एक की उम्र थी कोई 7 साल और दूसरे की उम्र थी 12 साल। अब आप अंदाज़ा लगा लें, 7 साल की बच्चा आपके घरों में, आपके बहन भाई या आपके कज़न होंगे कुछ 6-7 साल का, और एक 12 साल का बच्चा, दोनों आपस में दोस्त थे, दोनों इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे घूमते फिरते थे, स्कूल के भी इकट्ठे जाना और स्कूल से वापस भी इकट्ठे आना, फिर घूमना फिरना भी इकट्ठे। एक दिन वो खेलते हुए अपने घर से बाहर एक कुएं के पास खेल रहे थे, तो वो जो बड़ा बच्चा था 12 साल जिसकी उम्र थी, वो कुएं में गिर गया। अब वो बच्चा कुएं में गिर गया, इर्द गिर्द सन्नाटा था, इर्द गिर्द कोई दूसरा इंसान नहीं था, वो जो 7 साल का बच्चा था छोटा वाला, अब वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, घबराने लगा, वो इधर उधर देखे मदद के लिए, हमारी मदद करो, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा था। अब उसको अपने दोस्त की फिक्र थी कि उसका दोस्त कहीं डूब ना जाए, उसका दोस्त कहीं मर ना जाए। उसने देखा कि भाई पास ही कुएं के एक रस्सी पड़ी हुई, उसने उस रस्सी का एक सिरा खुद पकड़ा, दूसरा सिरा अंदर फेंक दिया। बड़े बच्चे ने उस रस्सी को तो पकड़ लिया, अब वो बेचारा छोटा था, उसके अंदर कितनी हिम्मत होती कि वो उसको खींचता, और उसने जूं का तूं जोर लगाया, बहुत ज़्यादा एफर्ट की और उस बच्चे को, बड़े बच्चे को बाहर खींच लिया, और अल्लाह का करना ये हुआ कि उसकी जान बची। वो दोनों आपस में गले मिले, दोनों आपस में रोने लग गए,
अब वो दोनों डर रहे थे, परेशान थे। वो परेशानी क्या थी? परेशानी ये थी कि अब हम घर जाएंगे और माँ बाप को बताएंगे तो हमें कहीं मारना पड़े, हमें कहीं टेंशन ना हो, हमें वो कहेंगे कि तुम ऐसा क्यों करने, हमें वो घर पाबंदी लगा देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। वो डरने लगे। बहरहाल जो है वो परेशानी की हालत में बच्चे अपने अपने घरों को गए। घर जाके उन्होंने अपने वालदैन से सारा किस्सा सुनाया। अब उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी बच्चों की, कि उनको मार पड़ेगी, उनको डांट पड़ेगी कि भी तुम लोग बाहर क्यों गए थे। उनकी सोच के बरक्स काम हुआ कि कोई उनकी बात ही नहीं मान रहा था। वो सारे समझ रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 6-7 साल का बच्चा और एक 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा कुएं में गिर गया और 6-7 वाले बच्चे ने उसको बाहर खींच के कैसे निकाले? ऐसा हुआ ही नहीं होगा। वो उड़ती उड़ती वो बात पूरे इलाके में फैल गई, सारे उनका मजाक उड़ाएं कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। पर उस इलाके में एक जिसे कहते सयाना आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, उसने इस बात पे यकीन कर लिया। उसने कहा कि वाकई ऐसा हुआ होगा, वाकई उसके ये वाकया हुआ होगा। सब लोग कहें कि बाबा जी आप कैसे कह सकते हैं ये वाकया हुआ होगा, क्यों आप ऐसा मान रहे हैं कि ये वाकया हुआ होगा? हालांकि भाई एक अंडरस्टूड बात है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसकी आधी उम्र का और डबल उम्र के बच्चे को उसने खींच लिया कुएं से बाहर, ऐसा कैसे मुमकिन है? वो कहे भाई बेवकूफ़ो बात सुनो, आप लोग ये सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हुआ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जब वो बच्चा छोटा वाला बड़े बच्चे को कुएं से बाहर रस्सी से खींच रहा था अपनी कोशिश से, अपनी एफर्ट से, तो उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। उसके इर्द गिर्द आप में से कोई होता, उसके माँ बाप में से कोई होता, उसके चाचा मामा ताए में से कोई होता, उसके मोहल्लेदारों में से कोई होता, तो उसको दूर से कहता कि ओ ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो, तुम तो खुद भी कुएं में गिर जाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी जान है, हिम्मत है, तुम उसको खींच लोगे, तुमसे नहीं ये होगा, तुम रहने दो, तुम छोड़ दो। लेकिन चूंकि उसके इर्द गिर्द ऐसा कोई भी नहीं था कहने वाला, वो अकेला था, और हालांकि वो खुद भी अपने आप को नहीं ये कह पा रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, उसने दिल में ठान ली थी कि मैंने अपने दोस्त को बचाना है, तो इसलिए वो उसको बचा पाया। अगर उसके इर्द गिर्द कोई होता जो उसको कहता कि ये तुमसे नहीं होना, तो फिर शायद उससे वो ये ना हो पाता। तो ये जो उसने संदीप महेश्वरी ने ये जो बच्चों का वाक्य सुनाया, ये मेरे दिल में एक घर कर गया कि वाकई यार ये होता है। अगर आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट ही ऐसी है, आपके इर्द गिर्द माहौल ही ऐसा है, आपके वालदैन ही आपको डराते रहते हैं, फिर वालदैन के बाद जब आप बाहर आते हैं आपके दोस्त ही आपको डराते रहते हैं कि ये मुश्किल है, ये नहीं होना, ये फलां है, तो आप कुछ भी नहीं फिर कर पाते। एक तो अपना वैसे ही कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हुआ होता है खुद सोच सोच के कि ये मुश्किल है, फिर इर्द गिर्द के लोग भी कहेंगे कि ये मुश्किल है, तो फिर आप और ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं ये वाकई मुझसे नहीं होना। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। फिर जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, अगर आपको टीचर ही ऐसा मिल गया है जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करता रहता है, डिस्करेज करता रहता है, वो कहता है कि ये किस कौन सा स्टूडेंट आ गया मेरी क्लास में, निकम्मा, तो वो बच्चे वाकई फिर निकम्मे ही हो जाते हैं। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए, टीचर्स को भी, वालदैन को भी, और बच्चे को खुद को भी ये अपने अंदर एहसास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वो चाहे मुश्किल काम कर ले और उसमें वो फेल भी हो जाए, लेकिन अपनी एफर्ट्स को हमेशा जारी रखे। ये कभी ना सोचे कि ये मैंने ये काम किया था एक दफ़ा और मेरे से नहीं हुआ था, अब मैंने ज़िंदगी में वो दोबारा करना ही नहीं। क्यों नहीं करना भाई? अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आओ। हमेशा आसान चीज़ें नहीं होती, ज़िंदगी आपकी जो है वो आसानियों से भी भरी हुई है पर मुश्किलात से भी भरी हुई है। आप आसानियों की तरफ जाओगे और जब कभी आपके सामने मुश्किल सिचुएशन आएगी फिर क्या करोगे? तो अपने आप को हमेशा तैयार रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, अपने आप को मोटिवेट करो कि भाई नहीं, मेरे लिए ये चीज़ मुश्किल थी पर मैंने इसको करना है। जब आप ये ठान लेते हैं ना कि मैंने इसको करना है,
और कंसंट्रेशन आप पूरी उस पर लगाते हैं, तो अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। कव्वे ने भी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, उसने जो है वो मटके के अंदर कंकरियां डाल के पानी के ऊपर कर ही लिया था ना, क्यों उसने ऐसा किया? उसको प्यास लगी हुई थी, उसको जान के लाले पड़े हुए थे, और उसका दिमाग काम किया, उसने कोशिश की, बार बार नहीं हुआ, फिर उसने एक दिमाग लड़ाया कि मैं ऐसे कर लूँ। हाँ, आसानियाँ ढूंढें, लेकिन मुश्किल काम करने में आसानियाँ ढूंढें कि ये मुश्किल काम है, इसको मैं कैसे आसान तरीके से कर सकता हूँ। आसान काम ना ढूंढें, अपने ज़िंदगी में हमेशा इनोवेशंस लाएं, क्रिएटिविटी लाएं, भेड़ चाल ना करें कि वो भी ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ, वो भी ये कर रहा है तो मैं भी, अपने दिल से भी सोचें, अपने दिल की आवाज़ सुने, अपने दिमाग की आवाज़ सुने कि आप क्या करना चाहते हैं, ये ना सुने कि भी लोग क्या कह रहे हैं, ये भी देखें कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपने कुछ अपनी ज़िंदगी में बनना है तो कामयाबी का जो सबसे पहला, जो आप कह लें कि ज़रिया है, सबसे पहला जो कुलिया है, फार्मूला है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। कॉन्फिडेंस जो है इतना ज़्यादा आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आप में कोई कमी कोताही भी है तो आपके कॉन्फिडेंस में छुप जाए, और अल्लाह ताला जो है वो मेहनत का सिला ज़रूर देता है। अगर आपने पॉजिटिव वे में मेहनत की है तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको सिला ज़रूर देता है। अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटीज़ की तरफ ना आ जाए। तो ये मेरा जो था थोड़ा सा, मैंने कहा चलो बच्चों को जो है वो मोटिवेशन भी दी जाए, उनको इनक्रेज किया जाए कि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने आप को कभी ये नहीं समझना, कमज़ोर नहीं समझना, अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन रखना है। आपको बताया, आसान हालात में तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन मुश्किल हालात में कॉन्फिडेंस नहीं होता, मुश्किल हालात में इंसान डरता है। असल कॉन्फिडेंस की ज़रूरत मुश्किल हालात में होती है, तो मुश्किल हालात में कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें। तो अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अपना जो है वो फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर नए लेक्चर्स के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ ही हाज़िर होंगे। इस तरह मैं कोशिश करता रहूँगा, बीच में कोई मोटिवेशनल लेक्चर किसी एक टॉपिक के लिहाज से आपको ज़रूर दिया जाए, ताकि आप उसको पढ़ें, उसको समझें, और आपको, चलो मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाए तो मैं अपने आप को कामयाब समझूँगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह।